नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो आपका वोटर कार्ड होता है, उस वोटर कार्ड को आप अगर रिप्लेसमेंट मंगाना चाहते हैं या फिर अगर फोटो चेंज करवाना चाहते हैं, उसमें कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना वोटर कार्ड फिर से रिप्लेसमेंट में मंगवा सकते हैं। तो उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि अगर आपका वोटर कार्ड कहीं घूम गया है या खो गया है, आपके पास अगर एपिक नंबर है, वोटर कार्ड नंबर है, तो आप उस नंबर के माध्यम से, या फिर आपके पास नंबर भी नहीं है तो फिर नाम से सर्च करके आप अपना वोटर कार्ड को फिर से रिप्लेसमेंट में ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है आपके पते पर आपको मिल जाता है। तो उसके लिए आपने कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे ही अपना वोटर कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो कम्प्लीट इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप अपने वोटर कार्ड को कैसे रिप्लेसमेंट में ऑर्डर कर सकते हैं और अगर फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो फ़ोटो चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे अपना वोटर कार्ड फिर से रिप्लेसमेंट में मंगवाना है। उससे दोस्तों पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। जो ये पोर्टल है, ये मतदाता सेवा पोर्टल बनाया गया है, ये नया पोर्टल बनाया गया है। तो इसी पोर्टल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप कैसे रिप्लेसमेंट अपना वोटर कार्ड मंगवा सकते हो और फोटो चेंज भी ऑनलाइन ही करके रिप्लेसमेंट फिर से मंगवा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे इस पोर्टल को आने के बाद क्या करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो लिंक पे क्लिक करके पोर्टल ओपन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पेज को लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने से पहले अगर यहाँ पे आपके पास में आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंग अन का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे सिंग अप का ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसमें तो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चर कोड डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। और सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो भी ओटीपी आपको आती है, वो ओटीपी पे आपको डाल लेनी है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आपकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे। तो आपके आईडी और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद इस पेज को आपको लॉगिन करना है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे फिर से, देखिए जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करोगे, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपके आईडी पासवर्ड होते हैं, वो आपके आईडी मतलब मोबाइल नंबर ही रहता है, और पासवर्ड आपको वहाँ पे नए बनाने का ऑप्शन आएगा। तो अगर यहाँ पे आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें आपको आईडी पासवर्ड बना के कंप्लीट जानकारी बता रखी है। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें कंप्लीट जानकारी आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे इस पोर्टल का आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आप लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड दोनों डाल लीजिए। देखिए, यहाँ पे आईडी आपकी वही रहेगी जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे, वही आपकी आईडी होगी, और पासवर्ड जो आपने वहाँ बनाए होंगे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वही आपके पासवर्ड होंगे। तो दोनों डाल के आपके यहाँ कैप्चर कोड डाल लीजिए। देखिए, जो भी कैप्चर कोड आपको दिखाई दे यहाँ पे, वो कैप्चर कोड आपने आपको फिल कर देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई आपको क्लिक करना। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे कैप्चर कोड फिर से हम डाल लेते हैं। वेरीफाई कर देना और लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पोर्टल ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे पोर्टल लॉगिन हो चुका है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो वोटर कार्ड है उसमें फोटो चेंज करना है और रिप्लेसमेंट मंगवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा है, सबसे पहले जो फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सबसे पहले देखिए यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएंगे, सभी तरह के यहाँ पे क्या क्या काम होता है वो सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको करना है क्या, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो 8 नंबर का फॉर्म है, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म नंबर 8, तो यहाँ पर 8 नंबर का जो फॉर्म है इसको आपको ओपन करना है। देखिए, इस पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पे फिर से एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सेल्फ एंड अदर। तो सिंपली आपको यहाँ पे आप अपना खुद का बना रहे हैं या किसी अदर का बना रहे हैं, तो आपका हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर अपना खुद का बना रहे हैं तो सेल्फ कर लीजिए, या फिर अदर बना रहे हैं तो अदर पर क्लिक करके यहाँ पे उनका, जिसका भी बना रहे हैं, उनका एपिक कार्ड नंबर डाल लीजिए। देखिए, यहाँ पे एपिक कार्ड नंबर डाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेल्फ में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबमिट पे, सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर, सर्विस नंबर, और यहाँ पे आपको लिखा हो जाएगा एप्लीकेंट फॉर, आपको यहाँ पे क्या करना है। देखिए, यहाँ पे शिफ्टिंग फॉर रिप्रेसेंटिंग करेक्शन करना है, तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है, 3 नंबर वाला देखिए यहाँ पे इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन। तो यहाँ पे अगर आपको कोई करेक्शन नहीं करना है सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अगर वोटर कार्ड मंगवाना है तो इसके लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है।
अगर आपको कोई यहाँ पे करेक्शन नहीं करना है, अगर आपको फोटो चेंज करना है तो फोटो चेंज करने के लिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, तो इस वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, फोटो चेंज वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका खोया हुआ है या आपका टूट गया है वोटर कार्ड वगैरह, तो आप उसको यहाँ पे रिप्लेसमेंट पे क्लिक करोगे तो रिप्लेसमेंट आपका करेक्शन बिना करेक्शन के यहाँ पे आपका नया वोटर कार्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि करेक्शन करना है, फोटो वगैरह चेंज करना है, तो इस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आप ओके ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसमें पूरा फॉर्म आपको इस तरीके से भरा हुआ मिलेगा। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है इसमें, देखिए यहाँ पे आपको जो भी जानकारी यहाँ पे मांगा जा रहा है वही जानकारी आपको यहाँ भरनी है। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार का, तो यहाँ पे अगर आधार की डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद देखिए इसमें आपको बाकी और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे आपको जो आपका रिप्लेसमेंट आप मंगवा रहे हैं वो किस कंडीशन में मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस्ट, लॉस्ट मतलब यहाँ पे अगर आपका खो गया, टूट गया, कुछ वगैरह हो चुका है, तो यहाँ पे आपको इस पे तीनों ऑप्शन मिलेंगे, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप लॉस्ट पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद लॉस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पुलिस रिपोर्ट या आपको ये मांगा जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इस पर क्लिक नहीं करते हुए इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको पैलेस मतलब जो भी आपका पैलेस है वो पैलेस आपको यहाँ पे डाला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे गाँव का नाम है, विलेज का नाम है, वो यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके यहाँ पे ये फॉर्म 100% सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस आईडी भी मिल जाएगी। जो रेफरेंस आईडी होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी तुरंत ही। तो रेफरेंस आईडी मिलने के बाद यहाँ पे आपको उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे फिर से होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, देखिए यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिले वहाँ पे वही रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस हो जाएगा, आपका जो आपने रिप्लेसमेंट में वोटर कार्ड वगैरह कुछ मंगाया मतलब वोटर कार्ड मंगवाया है तो वो वोटर कार्ड यहाँ पे किस कंडीशन में है, स्टेटस उसका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसका स्टेटस आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि आप घर बैठे ही यहाँ पे नया वोटर कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 1 रुपये देने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप ये वोटर कार्ड रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके पते पर यहाँ पे ये वोटर कार्ड भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। तो कैसा लगा वीडियो आपको, लाइक जरूर करें और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।